आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, प्राइमरी सक्सेशन इज डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑन। तो देखिए, प्राइमरी सक्सेशन में डेवलपमेंट होती है बायोटिक कम्युनिटीज ऑन, तो कौन से एरिया में? यहाँ पे चार एरिया दिए हैं, न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट, क्लियर फॉरेस्ट एरिया, फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड एंड पॉन्ड फील्ड आफ्टर अ ड्राई सीजन। तो देखिए, यहाँ पे ये चार एरिया है, प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होगा? तो पहले समझते हैं, बायोटिक सक्सेशन जो होती है या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सक्सेशन जो होता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज होती है, और ये होती है एट सेम साइट। डिफरेंट कम्युनिटीज एक ही जगह पे फलेगी, फूलेगी, और इन रिलेटिव टू स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी। तो रिलेटिव टू स्टेबल क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स कम्युनिटी मतलब जो स्टेबल है, पहले से है, कई सालों से है, कई हजार सालों से है और अब स्टेबल है, तो पहले से वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, तो उसी एरिया में कोई न्यू कम्युनिटी का बढ़ना, इसे बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी सक्सेशन, तो इसके दो टाइप्स तो फर्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंड है सेकेंडरी सक्सेशन। तो हमें प्राइमरी सक्सेशन पर फोकस करना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन ऐसा एरिया होता है जहां पे ये प्राइमरी सक्सेशन होगा, तो यहाँ पे ऐसा एरिया जैसे बेयर एरिया होना चाहिए। इसके पहले यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एनिमल, कोई भी स्पेसीज नहीं हुई हो, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्यों ना हो, तो ऐसे एरिया में फर्स्ट टाइम कोई कम्युनिटी बढ़ती है, तो वो एरिया पहले बेयर था, जैसे कि रॉक या फिर हम बोलते हैं ग्लेशियर्स या फिर कोई ऐसा रॉक जैसे वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ रॉक, वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ रॉक, तो ऐसे रॉक या फिर ग्लेशियर या सिंपल जो रॉक है जिसपे आज तक तो कोई भी कम्युनिटी नहीं बनी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बना हो, यहाँ पे अगर कोई कॉलोनी बनती है, कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी सक्सेशन। तो देखिए, न्यूली एक्सपोज हैबिटेट ये होगा सही, क्योंकि ये न्यू है, इसके पहले कोई एक्सपोज उस हैबिटेट को नहीं हुआ। क्लियर फॉरेस्ट एरिया, तो ये हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब हम शॉर्ट में समझते हैं कि इसके पहले वहां पे कम्युनिटी थी, लेकिन कोई एक्सीडेंट या कोई डिस्ट्रक्शन की वजह से वो कम्युनिटी हट गई, फिर से वहां पे कोई नई कम्युनिटी आती है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का टाइप हो गया। फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड, तो ये भी हो गया गलत। पॉन्ड फील्ड आफ्टर अ ड्राई सीजन, ये भी सेकेंडरी सक्सेशन का पार्ट हो गया। सिर्फ ए न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट, ये हो जाएगा अपना सही आंसर। तो हमें लिखना है ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।